हेलो एवरीवन, ब्रेन ब्लूमर वेलकम्स यू ऑल। अगर आपको भी इंग्लिश लगती है टेढ़ी खीर, तो ब्रेन ब्लूमर के साथ अब बनाइए इसे बिल्कुल आसान। आज के इस वीडियो के साथ आपके लिए है एक नया सेगमेंट, जहां आप सीखेंगे इंग्लिश प्रोवर्ब्स और उनके अर्थ। अपनी इंग्लिश को पॉलिश्ड बनाने के लिए सिंपल शब्दों के साथ साथ आपको प्रभावी भाषा भी आनी चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Might is right, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जो ताकतवर होता है उसी की बात माननी पड़ती है। A fork cannot be dispelled by a fan, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, अर्थात बड़े काम के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। An empty whistle sounds much, अजल गगरी छल कर जाए, या फिर थोथा चना बाजे घना, अर्थात जिसको कम ज्ञान होता है वो दिखावा करने के लिए अधिक बोलता है। Do evil and look for like, जैसी करनी वैसी भरनी, कर बुरा तो होए बुरा, अर्थात जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। Good mind, good find, आप भले तो जग भला, अर्थात जो खुद अच्छा है उसके लिए सब अच्छा है। आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग एंड हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।